तो यो व्हाट्सअप गेमर्स, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं मोटेल मैनेजर सिमुलेटर। तो दोस्तों अपना गेम स्टार्ट हो चुका है और ये रहा भाई अपनी शॉप को स्टार्ट। देखो एक बार तुम भाई 5 स्टार होने वाले हैं। मेरी शॉप है ना बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। बाकी है ना मैंने अपने यहाँ पे लोग भी हायर करके रखे है। ये साइड तक बैठा भाई, रात हो चुकी है, आराम से सो जाए यार। बिल्कुल मुर्गा कटिंग करवा के आया तू। बाकी यहाँ पे देखो अपने होटल पे भी है ना 2.5 स्टार हो चुके हैं। भाई अपनी होटल मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अपने होटल पे 2.5 स्टार कैसे है भाई? बहुत ज्यादा होने चाहिए थे अभी, क्योंकि मैंने अपने होटल पे बहुत ज्यादा काम करा हुआ है। यहाँ पे रूम नंबर 1 की चाबी पड़ी है, तो चलो इसको है ना पहले यहाँ पे टाकते हैं जल्दी से। और अभी है ना जल्दी से मैं देखता हूँ भाई रूम नंबर 1 साइड तो खुला है। हाँ गंद मची हुई है यार, जल्दी से ये सारा का सारा सामान लेते हो और इनको है ना साफ करते हैं पहले। तो इधर के साइड आते हैं, यहाँ पे मैं ना साफ कर देता हूँ इनको। अबे ये गंद वाली चीजें ना मैं अपने उस पर नहीं बिछाने वाला भाई, मैं अपने ऑर्डर करूंगा अलग से चीजें। बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत और भी सामान मेरे को मंगवाने पड़ेंगे, जैसे कि कोलगेट है, चलो ठीक है। यहाँ पे हैंड वॉश भी है, ये हैंड वॉश है ना या माउथ वॉश? हाँ हैंड वॉश है अपने पास, हैंड सोप, माउथ वॉश भी है अपने पास। ये खाली हो चुका है, पता नहीं किसका था। ये अपने पास शैम्पू है और अपने पास एयर फ्रेशनर भी है और अपने पास टॉवल भी है। ओ यार ये क्या क्या, अच्छा ठीक है सारी चीजें ना यहाँ पे है, तो मैं इसको भाड़े पे चढ़ा सकता हूँ। अपने पास थोड़ा बहुत और पैसा आ जाएगा, $4400 तो अपने पास है। ये वाला रूम मेरे को है ना मतलब अपना कंप्लीट करना है, तो जल्दी से एक काम करते हैं, पहले सोते भाई। मैं कल ना पूरा दिन है ना काम करने वाला हूँ भाई, इसलिए मैं एक काम करने वाला हूँ अभी, तो सोते हैं जल्दी से। इसमें से सामान निकाल लेता हूँ सारे के सारे, ये भाड़े पर चढ़ाने वाले रूम को भी रेडी करते हैं। तो इस वाले को भी है ना जल्दी से मैं रेडी कर देता हूँ। ओए टॉवल कहाँ पे पटक दिया, यहाँ पे रखते हैं बस, लेट्स गो। ये वाला रूम भी अपना रेडी हो चुका है। बाकी यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत सामान लाके रखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, अपना पास सामान पड़े हैं थोड़े बहुत। यहाँ पे है ना कोलगेट, अबे वेट पूरा डब्बे उठा लिया मैंने। तो यहाँ पे मेरे को कोलगेट लेना है, यहाँ पे मेरे को हैंड वॉश लेना है, यहाँ पे माउथ वॉश लेना है, यहाँ पे शैम्पू लेना है मेरे को और एक एयर फ्रेशनर। लाइट है चली गई अभी है ना, मेरे डॉलर कट जाएंगे भाई, लाइट जुगाड़ करके आना पड़ेगा। किसमें था भाई, इसी के अंदर रखना है। तो जल्दी से पहले सामान रखता हूँ इधर की साइड को सारा का सारा, तो सारा का सारा सामान इधर रख देते हैं। इधर है ना मेरे को एसी वेसी सब कुछ लगाना भाई। एक काम करते हैं पहले जनरेटर ऑन करके आते गाइस। यहाँ से है ना मैं जनरेटर ऑन कर देता हूँ भाई। किधर था इसका लीवर, ये रहा, तो मैंने लीवर खींच दिया और यहाँ पे मैंने जनरेटर ऑन कर दिया। लेट्स गो, अभी लाइट वापस से आ चुकी है और अभी मेरे को फ्यूल स्टेशन। वेट ये देखो, मैं इसी की बात कर रहा था भाई। यहाँ पे ना मेरा सारा का सारा सामान है ना खाली हो चुका है, तो मेरे को सारे सामान वापस से ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो पहले एक काम करते हैं भाई, शॉप के लिए ना सामान ऑर्डर करते हैं, बाद में देखेंगे भाई। सामान ऑर्डर करने के लिए पहले पीसी के अंदर आते हैं अपन और डिलीवरी के अंदर। अभी अपने को स्नैक्स चाहिए, तो मैं एक एक करके सबको मंगाने वाला हूँ, सारी चीजें एक एक मंगा लेते हैं। तो जल्दी से ना सारा चीजें एक एक करके मंगाते हैं भाई। लोग मुझे कमेंट करके बताओ यार, कोई देख भी रहा है या नहीं देख रहा, जल्दी से कमेंट करो। तो ये भी सारी चीजें ना मैं मंगा लेता हूँ, चिकन पॉपकॉर्न भी मंगाते, कुकीज मंगाते, पॉपकॉर्न भी मंगा लेते। तो एक एक करके मैं सारा मंगा लेते, $625 का। तो एक बार एक काम करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक भी मंगाते हैं। तो ये सारे ग्रेप्स सोडा ये भी मंगाते हैं, लेमन वाली भी मंगा लेते हैं, पेप्सी भी मंगाते हैं, एक ऑरेंज वाली पेप्सी पता नहीं कौन सी है, चलो ये भी हटा देते हैं, मतलब कूल ऑरेंज है ये इसका नाम। $800 का हो चुका है। पेटीज अपन ने ना थोड़ी बहुत ये मंगा लेते हैं और ज्यादा है ना ये मफिन बिकते हैं, तो मफिन के अंदर अपन चॉकलेट मफिन और ब्लूबेरी मफिन मंगाते हैं, ठीक है इतना काफी है। और एल्कोहल भी बहुत ज्यादा बिकता है, तो एल्कोहल के अंदर अपन है ना ये बियर मंगाते हैं और साथ के साथ वो किधर गई भाई, ये वाली भी बहुत ज्यादा बिकती है, तो इन दोनों को भी ऑर्डर कर देते हैं। और हाँ 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 हाँ, ये हंटर जूस ये सबसे ज्यादा बिकता है। सिगरेट भी अपन है ना थोड़ी बहुत ऑर्डर कर देते हैं, इसमें प्रीमियर ऑर्डर करने वाला हूँ, ये भी बिकता है अच्छा खासा। मेंथोल भी ऑर्डर कर देते हैं भाई, $1200 का तो हो गया। कार प्रोडक्ट भी है ना एक ही ऑर्डर करने वाला हूँ भाई, ठीक है इतना काफी है। अभी कार्ट में जाते हैं, ऑर्डर मारते हैं भाई। $46 बचे हैं बस मेरे पास, $1400 में से $46 बाकी बचे हैं। अपने आप फ्यूल कितना है, मेरे को फ्यूल भी देखना पड़ेगा गाइस। तो एक काम करता हूँ भाई, पहले मैं फ्यूल देख के आता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को फ्यूल स्टेशन भी तो ओपन करना है। तो एक काम करते हैं भाई, इधर के साइड है ना फ्यूल देखते हैं कितना बाकी है। 136 लीटर बाकी है, तो मैं ऑन कर सकता हूँ इसको। तो अपन है ना गैस स्टेशन को ऑन करते हैं और अपनी शॉप को भी, नहीं शॉप को अभी ओपन नहीं करने वाला, गैस स्टेशन को ऑन करते हैं। तो जल्दी से ना मोटेल को ऑन करते हैं, हाँ मोटेल को ऑन कर देते हैं और शॉप को ऑन कर देते हैं, शॉप को नहीं गैस स्टेशन को ऑन कर देते हैं। लेट्स गो, अभी मोटेल में कोई भी आएगा ना तो मैं सारा सामान मतलब यहाँ पे रख देंगे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है वैसे। नहीं नहीं टॉयलेट पेपर रखे रखना, टॉयलेट पेपर ये रहा टॉयलेट पेपर, तो यहाँ से मैं एक टॉयलेट पेपर उठा लेता हूँ। ये टॉयलेट पेपर अपने इस वाली रूम के अंदर रख देते हैं। लेट्स गो भाई, कस्टमर आ गया अपना पहला, कौन से दिन है, 39वें दिन का पहला कस्टमर। कितना 21 लीटर बनना है, जल्दी से 21 लीटर इसके फ्यूल डालते हैं। 15 लीटर, 16 लीटर, 17, 18, 19, 20, 21, लेट्स गो। 22 लीटर भर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बहुत भाई, मैं बहुत ज्यादा फास्ट हूँ इसके अंदर, ये बोल रहा है। इधर ही बीड़ी के बंडल यहाँ पे पीपी के रख देते हैं यार, इनको हटाते हैं जल्दी से। हाँ जी सर, कितना डालना है आपकी फ्यूल, जल्दी बताओ 21 लीटर है। तो लेट्स गो गाइस, इसके 21 लीटर होने वाला है। लेट्स गो, ओके अपना 21 लीटर हो चुका है, चलो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। आपको 2 बेड ठीक है 36 घंटे के लिए, होल्ड ऑन होल्ड करो। रूम नंबर 3, कौन सा रूम नंबर था भाई, एक बार चेक करके आना पड़ा। रूम नंबर 4 था, रूम नंबर 4 की चाबी इसको देते हैं। रूम नंबर 4 भी है ना 2 बेड वाला है, तो रूम नंबर 4 यहाँ से उठाते चाबी और यहाँ पे रखते हैं।
ले भाई तू तेरा रूम ले ले। दोस्तों $5 मेरे को देगा, इसमें ना इतनी सारी चीजों के ना पेमेंट मत ठीक है भाई, एड करती है। अभी फ्यूल स्टेशन पे भी एक बंदा आ चुका है, मेरे को जल्दी से है ना थोड़ा बहुत पैसा जमा करना पड़ेगा अपने है ना, क्योंकि इसको अपग्रेड करना है भाई। उसको नहीं बिठाने वाला क्योंकि अगर मैं उसको है ना ये काम दूंगा ना भाई बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेगा। तो जल्दी से है ना थोड़ा बहुत पैसा कमाना अपने को, तो पैसा कमाते हैं यहाँ से। चलो भाई हो गया, चल निकल यहाँ से, अपना है ना सामान ले लेते हैं। भाई कितना सारा सामान आ चुका है, तो जल्दी से एक एक करके सारा का सारा सामान यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ पहले तो, और इसकी डिलीवरी फ्री करता हूँ भाई। चिप्स की बोतलें सब कुछ आ चुका है, मेरे को सीधा जाके है ना वहाँ पे रखना है यार, अपने शॉप के अंदर सामान जमाना है। तो जल्दी से ये सारी से, ओ वेट, हाँ नहीं नहीं सॉफ्ट ड्रिंक मंगाया है भाई, मैं सोचा सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मंगाया, भूल गया मैं। तो सारा सामान यहाँ पे उठा लेता हूँ मैं, यहाँ पे लेट्स गो, इधर के साइड को रखते हैं सारा सामान, इसके दरवाजे बंद करते थे और इसकी डिलीवरी फिनिश करते पहले। तो निकल ले भाई तू यहाँ से, भाई थोबड़ा फोड़ दूंगा, निकल ले जल्दी से। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तूने तो आते इधर गंदगी मचा दी भाई, इतने गंदगी क्यों करते हो रे तुम। हाँ बहन जी क्या चाहिए आपको? एक बेड वाला रूम चाहिए, होल्ड ऑन, इसको नंबर वन वाला दे देते हैं यहाँ पे 36 घंटे के लिए, ठीक है। $167 दिए, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। फ्यूल 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 डालना है, फ्यूल डिलीवरी, फ्यूल 200 लीटर ऑर्डर कर देते हैं, 200 200, ठीक है गाइस। मैं अभी 200 लीटर है ना अपना फ्यूल ऑर्डर करने वाला, तो ठीक है 200 लीटर वो काफी है, 193 लीटर। और सारे के सारे डब्बे भी उठा लेते हैं भाई, दारू की बोतलें बहुत सारी मंगाई है मैंने बहुत ज्यादा पीते भाई लोग यहाँ पे, नहीं अंदर नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को, इसके ऊपर रख देते हैं इसको, लेट्स गो इस तरीके से, इसको यहाँ पे। और कितना ज्यादा सामान मंगाया मैंने एक बार देखो भाई, क्योंकि मैंने $1200 का सामान मंगा लिया था, मैं $1300 का सामान मंगाया। सारा सामान अपना हो चुका है ना, हाँ सारा सामान हो चुका है, इसके ऊपर रखते ये और इसके ऊपर ये, लेट्स गो। अभी सारा सामान को अपन लेके चलते हैं उधर के साइड को, अपनी शॉप पे लेके चलते हैं, लेट्स गो। अपनी शॉप के अंदर अंदर जाएगा क्या ये माल? ओके ये माल पूरा अंदर आ चुका है, मैं अपना सारा सामान लेके आ चुका हूँ, अभी ना इसको नीचे उतारते हैं। ये है बियर की बोतलें, तो बियर की बोतलें पहले इधर के साइड जमाते हैं, बड़े वाले में मैं नहीं जमाने वाला, छोटे वाले में जम जाएगी ये सारी चीजें। वेट ये नहीं जम रही है, ठीक है बियर की बोतलें नीचे वाली स्लॉट में जम चुकी है, लेट्स गो। ये वाली क्या है? ये कोको कोला, तो इस वाली में जम जानी चाहिए, हाँ ये कोको कोला इसमें जम चुकी है, लेट्स गो। इस वक्त को भी यहाँ पे रख देते हैं, ये वाली बियर की बोतल भी ले लेते हैं, ये भी इधर की साइड जमा देते हैं, तो यहाँ पे ये जम जाएगी, लेट्स गो। ये भी हो चुका है अपना, और भी मैं ना थोड़ा बहुत माल लेके आया था, हाँ ये ग्रीन वाली और भी है अपने पास, ये बड़ी वाली है भाई, ये बड़ी वाली को इधर जमा देते हैं, लेट्स गो। अभी बड़ी वाली भी जम चुकी है, और अभी है ना जो जूस की बोतल है ना, जूस की बोतलें भी अपन इस वाली में जमाने वाले हैं, जूस की कैन। अबे पूरा का पूरा डब्बा नहीं जमाना भाई, इधर के साइड जमाना, लेट्स गो। अभी ना यहाँ पे अपना जूस का डब्बा जम चुका है। वेट ये एक एक्स्ट्रा पड़ी कैसे ही, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है भाई इस डब्बे को भी यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे जमा देते हैं, लेट्स गो। अपनी ये भी हो गई, पेप्सी की उठाते हैं, नहीं अपने पास है ना कार शॉप वाले भी सामान है, ये पेप्सी अपने पास पड़ी है, जूस की बोतलें इधर के साइड और भी जमा देते हैं, लेट्स गो। ये वाली भी यहाँ पे जमा चुका हूँ, ये यहाँ पे जमाने को, हाँ ठीक है यहाँ पे जम जाएगी, लेट्स गो। यहाँ पे ना ये क्या है भाई, मर्सी, ये क्या है मेरे को समझ में नहीं आया, चॉकलेट है क्या ये? तो कमेंट करके बताओ यार, चॉकलेट है क्या ये? मैं पता नहीं, 200 grand, ये क्या भाई, इसको भी जमा देता है। आई थिंक ये चॉकलेट होने वाली है, कुकीज होने वाली है, कहते ये कुकीज है, तो मैंने यहाँ पे इसको भी जमा दिया है, और यहाँ पे केक, एक को भी इधर ही जमाएंगे, चलो इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है लेट्स गो। यहाँ पे ये आ चुके केक, लेस की काली लेस की यहाँ पे पड़ी है अपने पास, तो यहाँ पे रखते हैं भाई सारे के सारे को, लेट्स गो। यहाँ पे हो चुका है मफिन, मफिन को अपन रखेंगे इधर, सारे के सारे मफिन अपने यहाँ पे आ चुके हैं, लेट्स गो। मफिन का डब्बा उठा लेता हूँ यहाँ से, और मफिन यहाँ पे जमाते हैं, ये सारे ब्रेड है, हाँ मफिन ये ब्रेड है, तो ब्रेड को भी मैंने यहाँ पे जमा दिया, थोड़ा बहुत और बाकी है, लेट्स गो। ये भी अपना है ना यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, तो जल्दी से गाइस मैं सारा का साथ सामान सेट करता हूँ, उसके बाद में मिलता हूँ आपको। तो सिगरेट यहाँ पे जमा देता हूँ, ये दूध वाली मिल्क वाली सारी चीजें है ना मैं इधर के साइड रखूंगा, एक साइड में सारी चीजें हो जाएगी मिल्क वाली, तो इधर रखते हैं, चॉकलेट को इधर जमाते हैं। और कितना सारा सामान मंगाया भाई मैंने, बहुत ज्यादा, तो शायद इसमें आ जाना चाहिए ना कार का, तो कार वाला सेक्शन किधर रखे यार, कार का नहीं होगा ना इधर, या इसमें आ जाएगा, हाँ चलो ये सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे रख देते हैं अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए तो मैं ऐसे रख लेता हूँ। कितने डब्बे है भाई, कितने डब्बे मंगाए मैंने, डोनट, ओके डोनट है ना, बेकरी वाला सामान नहीं है ना, इधर डाल देते हैं, डोनट बेकरी वाला सामान ही आता। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न इसमें आएगा, ठीक है भाई पॉपकॉर्न के सारे डब्बे इसके अंदर आ जाएंगे। अरे भाई एक काउंटर तो पूरा पॉपकॉर्न का भर गया है यार, ओ बॉक्स डब्बे बिकते भी है, मनी भाई क्या क्या चीज बताई आपने, मैं तो फेंक देता था भाई ऐसे ही। थैंक यू डीटी एक्सेलरेट गेमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, $2 मेरे को बहुत सारे मिल चुके हैं। चलो इस मफिन को भी यहाँ पे जमा देते हैं, चॉकलेट मफिन है, चिप्स भी है ना अपने पास पड़ी है, तो चिप्स को अपन, अरे यार मेरे पास काउंटर कम पड़ रहा है, इसके अंदर लग जाएगी क्या चिप्स, देखते हैं, हाँ ठीक है चिप्स इसके अंदर लग चुकी है, बस दो काउंटर एक्स्ट्रा भरेंगे, नहीं इधर सिर्फ जूस का, इधर बियर का, इधर सारा ये 100 बियर है ना इधर डाल देते हैं, दारू की बोतलें सारी इधर रख दी मैंने, इसको बंद करते हैं, लेट्स गो। हो चुका है अभी सारे सामान है ना, मैं पहले सेल आउट करता हूँ और देखता हूँ भाई और क्या क्या सेल आउट कर सकता हूँ मैं, इसको भी ओह $39 यहाँ पे अपने को अमाउंट भी पता चल रहा है ना भाई, इनको सेल आउट नहीं करना मेरे को, बहुत मुश्किल से खरीदे हैं, तो एक काम करते हैं भाई, पुलिस वाला आया, इसके थोड़ा ज्यादा भरना पड़ता है भाई, नहीं तो है ना वसूली करके जाता है,
वसूली। ओ 200 भाई, इसने मेरे को पैसा दिया यार टिप। मैडम जी धन्यवाद, आपने मेरे को $298 दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, आपके ना थोड़ा बहुत ज्यादा डालूंगा। चलो जितना हो सकता है ना उतना फ्यूल डालते हैं इसके। मैडम जी ने बहुत सारा पैसा दिया मेरे को, तो इसके ना 25 लीटर फ्यूल डाल दिया मैंने। चलो निकलो यहाँ से। ओ यहाँ पे भी तो पड़े मेरे पास थोड़े बहुत सामान, तो इनको भी निकालते हैं, मतलब इनको भी उठाते हैं और अपने ना शॉप के अंदर डालते हैं सारा सामान। शायद तक है ना जूस की बोतलें ही है, नहीं थोड़े बहुत ये भी है। इसको देते हैं अपन गैस स्टेशन। चल भाई तू गैस स्टेशन संभाल, मैं जब तक सो जाता हूँ। मेरे को पार्किंग लॉट भी खरीदने पड़ेंगे, तो एक काम करता है भाई पार्किंग लॉट भी एक बार खरीद ही लेते हैं। अपग्रेड करना अपने को पार्किंग लॉट, मोटेल पार्किंग लॉट को अपग्रेड करते हैं पहले। अपग्रेड ठीक है, एक पार्किंग अपने पास और भी आ चुकी है। अभी $200 की पार्किंग आएगी यार, उसको कैंसिल करते हैं पहले तो। और अपने को है ना मॉडल पार्किंग लॉट हो चुकी है, शॉप पार्किंग लॉट भी खरीदने, तो दो इसको खरीद लेते हैं। लेट्स गो, अपना $300 बाकी है यार अब। ठीक है भाई लोग आने स्टार्ट हो चुके हैं, पहले ना ये रूम रेडी करते हैं अपन। थोड़ा बहुत सामान इसके अंदर जाएगा कि सारा सामान इसके अंदर डाल देते हैं डब्बे के अंदर। सफाई करनी पड़ेगी मेरे को। और यहाँ पे बॉक्स पड़ा है, पता नहीं किसका बॉक्स है ये। भाई ये वनस्पति कौन खा के रखता है इधर? मैं वनस्पति बेचता नहीं हूँ, मैं पिज्जा बेचता नहीं हूँ भाई। पता नहीं वनस्पति कौन रख देता है इधर। इनको बेच सकते क्या? सेल आउट करते हैं इनको। 0-0 तब 0 है भाई, इनको सेल आउट नहीं कर सकते अपन। ठीक है भाई सारा सामान उठा लेता हूँ यहाँ से। इधर भी पड़ा है डब्बा, तो अभी सफाई करता हूँ इसकी जल्दी से। यहाँ पे भी एक बैरल पड़ा है, इस बैरल को भी मैं बाहर निकाल के फेंकने वाला हूँ। अभी मेरे को ये लैंप ला के रखना है भाई। थोड़ा बहुत सामान तो मैं मंगा ही लेता हूँ भाई, जैसे लैंप हो जाएगा। मेरा गेम लीक करने लग गया। हाँ जी मैडम जी, 2 सामान लिया अपने। ठीक है $5 पर $6 की चीजें ली। अरे नाच क्यों रहा है, दे रहा हूँ सामान तेरे को। ठीक है भाई $15 $4 की टिप दी भाई, धन्यवाद सर जी। ऐसे मौज में दिया करो, अपना काउंटर अच्छा खासा भरा हुआ है भाई। और कितना सामान लिया यार, तू गाड़ी भी लेके आया क्या? $16 का सामान लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं यार। $16 का सामान लिया भाई। भाई भाई एक्सटेंड मत कर दे यार तू। हाँ जी सर। अरे इधर इधर, अरे उधर बैठना नहीं भाई, कोई दिख रहा है क्या तेरे को? चेकआउट करना है ना, जल्दी चाबी निकाल। चाबी रूम नंबर 4 की है। ठीक है रूम नंबर 4, ये रहा रूम नंबर 4। इसको साफ करना पड़ेगा, जल्दी से साफ करते हैं। पहले तो मैं ही साफ कर देता हूँ, उसके बाद में मोटेल को भी ओपन करते हैं भाई। थोड़ा बहुत है ना लग्जरी बनाएंगे इसको भी। रुको अब सारी चीजें मैं वेट भाई, सुसु इधर कौन करता है भाई? इतना अच्छा टॉयलेट दे रखा है फिर भी सुसु कर रहे इधर। अभी सारा सामान यहाँ से उठाना पड़ेगा एक एक करके। अरे बेड नहीं उठाना मेरे को। ठीक है भाई क्या लिया? दारू की बोतल। यहाँ पे लड़कियां बहुत घटिया भाई, सब दारू की बोतलें ज्यादा लेके जाती है। ये देखो बियर की बोतल मारेगी क्या? अभी रुक जाते मेरे पास, देख ये है, मारू क्या? नाश्ती नाश्ती जा रही है, चल भाग यहाँ से। ठीक है भाई फ्यूल डल गया क्या? 16 लीटर इसके तो डल गया होगा भाई, बंद करो इसको 16 लीटर। और ठीक है भाई तू निकल यहाँ से, तेरा फ्यूल डल चुका है। ओ भाई ये क्या है? अबे नशे वशे करके आया क्या? ड्रिफ्ट मार रहा है इधर ही। ठीक है भाई तेरा फ्यूल डल गया। ओ भाई ड्रिफ्ट मार रहा है इधर। हाँ जी बहन जी क्या? अच्छा चेकआउट करने आए हो, रूम नंबर कितना है? रूम नंबर 1। 36 घंटे हो गए इसके। भाई ये क्या कुश्ती उस्ते खेलते है क्या भाई? मिट्टी कहाँ से करके लेके आते हैं यार ये? इतना मिट्टी कहाँ से लेके आ जाते हैं? चलो इसने तो थोड़ी बहुत गंदगी कम ही मचाई है, दूसरे बंदे तो भाई बहुत ही भयंकर गंद मचा देते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट रुकना पड़ेगा मेरे को, जब तक फ्यूल स्टेशन पे चलते हैं इसको फ्यूल डालते हैं। हाँ जी बहन जी। अरे भाई अभी तू अकेली है, ऐसा मत बोलना किसी और ने करा है। अब ये किसने किया? तेरी ऐसी की तेजी मजाक नहीं कर रहा भाई, गंदगी करके भाई अकेली बंदी इधर वो गंदगी मचा दी इसने। पॉपकॉर्न लिए है भाई इधर, कुछ सिनेमा हॉल है आसपास। चलो भाई अभी एक काम करते हैं भाई, ये वाला रूम तो रेडी करते हैं, सारा का सारा रूम जल्दी से रेडी करता हूँ। आ रहा हूँ वेट करना। कौन सा वाला रूम था? हाँ ये, इसको बिछाते इधर। ये देखो भाई गलत शौक लोगों के, केला खाने का होता है ये करते कुछ और है। तेरे को देता हूँ मैं, तेरे को एक वो एक की वो एक बेड वाला चाहिए ना तेरे को, ये नंबर 1 का यहाँ पे रखते हैं। हाँ जी ले ले, बेहतर घंटे के लिए $300 दे रहा, बहुत बढ़िया धन्यवाद। अभी मोटेल को नहीं, मेरे को एक और रूम बेचना है। ओके मोटेल के अंदर एक और बंदा आ चुका है, फिर ही करते हैं। चाबी रूम नंबर 4 की ले ले, चल 96 आवर, चल ले ले कोई दिक्कत नहीं। वैसे थोड़े बहुत ही तो ज्यादा मिलते हैं, $50 ज्यादा मिल जाते हैं 2 बेड के। अभी मोटेल को अपन करते हैं बंद। तो मेरे को सामान चाहिए डिलीवरी, बिल्ड पीसेस तो अपने पास है, पहले डेकोरेशन पे जाते हैं। एक तो ये ऑर्डर करूंगा, फाउंटेन में एक ऑर्डर नहीं करना भाई, थोड़ा बहुत प्लांट भी ऑर्डर करेंगे। प्लांट देखते भाई $6 का, ठीक है $9 का ये ऑर्डर कर लेते हैं। फ्रेम एंड पोस्टर मेरे को ये वाला पसंद आता है भाई, $9 का ये ऑर्डर करूंगा। और एक गिटार वाला भी ठीक है बढ़िया है। बेंच का क्या करेंगे, स्टेचू का भी कुछ नहीं करेंगे अपन। ठीक है बेड अपन करेंगे इस बार बहुत अच्छा, $99 का ये है, $99 का भाई ये भी है। डबल बेड मेरे को यार पसंद नहीं, मेरे को ये वाला पसंद ज्यादा आता है, लेकिन चलो ठीक है ये वाला अच्छा लग रहा है तो $99 का एक ही करने वाला हूँ मैं। बेड सीट मेरे को ऑलवेज ये पसंद आती है, तो ये वाला करेंगे, दो करेंगे है ना। ब्लैंकेट भी 2 करने मेरे को, ब्लैंकेट भी मेरे को ये वाला। चलो एक में ये हो गया, तो एक में रेड वाला करेंगे, तो 2 ये कर देता हूँ मैं ऑर्डर। अभी पिलो के अंदर भी ये वाले हैं, तो पिलो में अपन ये ऑर्डर कर सकते हैं 2। नहीं लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, ये वाले अच्छे लगेंगे, 2 ये पिलो ऑर्डर कर देते हैं। डोर में अपन ऑर्डर करेंगे ये वाला, 2 ये ऑर्डर कर देते हैं डोर। सीलिंग लैंप में भी अच्छा खासा अपने को ऑर्डर करना है। वेट एक काम करता
लॉकडाउन चलता है ना शॉप के अंदर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो शॉप के अंदर है ना पहले सेल करके आते हैं। भाई 16 सेकंड और है भाई साहब, जल्दी आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मैडम जी, बहन जी, आप मेरे को पता है आप ज्यादा वेट नहीं करते, दारू की बोतलें लेके जा रही है, पीना ज्यादा जरूरी इनको। चलो भाई, प्लस रेटिंग तो देखे गई है, ये सामान भी उठा लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने को पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीलिंग लैंप अपन ऑर्डर करेंगे, ये झूमर ऑर्डर करेंगे एक, तो बाथरूम के लिए यार ये वाला ठीक है, ये वाले भी ठीक है बाथरूम के लिए। बाथरूम के लिए मैं ज्यादा वो करना नहीं चाहता यार, ज्यादा बेकार लगता है बाथरूम के अंदर अगर सीलिंग लैंप एक्स्ट्रा। चलो ये वाला कर लेते हैं, मेरे को पसंद नहीं आया भाई, मैं ये वाला करने वाला हूँ ऑर्डर। $690 का हो चुका है। सिंक अपन है ना इस बार अच्छा वाला ऑर्डर करने वाले हैं, $119 का है, इतना भी नहीं अच्छा करेंगे अपन ऑर्डर, अपन करेंगे ये वाला सिंक, ये वाला ठीक है $60 का। टॉवल अपन ऑलवेज दो ही ऑर्डर कर देते हैं। टॉयलेट अपने पास एक्स्ट्रा, भाई पैसा तो अपने पास बहुत सारा है, महंगा टॉयलेट ऑर्डर करते हैं, ठीक है। टॉयलेट पेपर भी अपने पास पड़े हैं, हीटर अपने पास नहीं है, हीटर में ये वाला करा हुआ है, तो एक ही हीटर ऑर्डर कर देते हैं। कर्टन अपने को ये वाला पसंद आता है भाई, मेरे को तो ये वाला पसंद आता है, दो ऑर्डर कर देता हूँ। ये सीट यार, ये वाली पसंद है भाई, सीट ये वाली मस्त लगती है मेरे को, दो ही ऑर्डर करते हैं, क्योंकि एक प्रीवियस जो अपने पास रूम था ना उसके लिए भी चाहिए था मेरे को, नॉर्मल सा ऑर्डर करेंगे। तो मेन चीजें तो भूल ही गए, एसी एयर कंडीशनर तो ऑर्डर करना ही है अपने को, $99 एयर कंडीशनर 03 एक $99 का ये कर देते हैं। एसी यूनिट तो लेनी है ही अपने को, कॉफी मशीन भी ऑर्डर करना है अपने को, सारा सामान लगाएंगे उसमें। माइक्रोवेव भी ले लेते हैं $100 का, मैं थोड़ा बहुत और सामान बेचूंगा। हाँ बहन जी, क्या चेकआउट ठीक है? थैंक यू। मैं भाई बहुत ज्यादा लग्जरी बनाने वाला हूँ, भले टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लग्जरी बनाने वाला हूँ भाई। दो बेड वाला गंद मचा रखी होगी इसने तो बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा गंद मचा रखी है। जल्दी से इसको रेडी करते हैं, उसको भी सेल करते हैं, उसके बाद में पैसा आएगा थोड़ा बहुत मेरे पास एक्स्ट्रा। सारा का सारा रूम है ना मैं जल्दी से ही कर देता हूँ, और इसकी बेडशीट उठाते भाई, ये देखो ये टॉवल कभी भी गंदा नहीं होता, इस बात बेडशीट भी गंदी नहीं हुई भाई, ठीक है भाई बढ़िया बात है भाई। टॉयलेटरी के सामान भी मंगाने पड़ेंगे मेरे को, ये देखो वनस्पति भी पूरा पूरा, ये पता नहीं, हाँ वनस्पति को पूरा पूरा ऐसे है ना गिरा रखा है। कल्लू ये आ गया, कल्लू डोन, हाँ जी भाई, मफिन लिया। अबे आइंस्टीन यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? आइंस्टाइन भाई मेरा शॉप इतना मशहूर है भाई, आइंस्टाइन भी यहाँ पे आके है ना शॉपिंग करता है भाई, देख लो भाई, मरा हुआ आदमी भी यहाँ पे आके शॉपिंग करते है भाई। रिस्पेक्ट है, मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है सीरियस मत हो जाना तुम लोग। ऑफिस में चाबी देने आए भाई, सारे रूम रेडी हो चुके हैं भाई अपन, है ना बहुत मस्त वाला रूम बनाएंगे अभी, देखो सारे के सारे रेडी करते हैं, उसके बाद में है ना सबको एक साथ बेचेंगे भाई, बहुत सारा सेल होगा। रूम नंबर 5 ये तो बहुत ज्यादा महंगा बिकने वाला भाई, ये रूम तो बहुत ही ज्यादा महंगा बिकने वाला रूम नंबर 5, क्योंकि इसके अंदर देखना भाई तुम, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज है रूम नंबर 5। और ये देखो गंदगी है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रूम कितना प्यारा सा है ना, मैंने लास्ट टाइम बनाया था, ये कैसा लग रहा है मुझे रेटिंग करके बताओ भाई, कितना मतलब कैसा लग रहा है रूम, ठीक है। अभी है ना जितनी भी गंदगी दिख रही है ना सारा साफ करते हैं भाई, इसको रूम को रेडी करते हैं, इसके टॉयलेट को रेडी कर देते हैं जल्दी से, कुछ भाई टॉयलेट कम पड़ जाएगी मेरे, कोई बात नहीं अपने पास पड़ा है एक और डब्बा, तो इसकी टॉयलेट तो लगा ही देते हैं। लेट्स गो, अपनी ये है ना इसका टॉयलेट की टॉयलेट तो लग चुकी है, और इसको यहाँ पे रखते हैं भाई, वहाँ पे है ना रूम रेडी कर देता हूँ जल्दी से, जिससे कि थोड़ा बहुत और अपने को पैसा मिल जाएगा। 2 सेकंड और भाई, सारा सामान लेते हैं यहाँ से और इस रूम को रेडी करते हैं, तो यहाँ पे रखो। -$61 क्यों? अच्छा, हाँ उसके वो पेमेंट हो गए ना भाई, मैं सोचू यार -$61 क्यों हो गया यार, ये क्या है भाई इसके अंदर। अब इसको सेल करते हैं, जो बिक चुके हैं ना सबको सेल कर देते हैं पैसा इससे भी। अरे यार ये मनी भाई आपने सही टाइम पे बता दिया यार, मैं ऐसे डब्बे फेंक रहा था। गीजर का भी लगा हुआ है ना, गीजर का शायद तक लगा हुआ है, यहाँ पे लगाना है इसको, एक यहाँ पे लगाते हैं, और शायद एक है ना यूनिट लगी हुई है, क्या यूनिट का प्लग है क्या इधर, शायद यूनिट लगा हुआ है, इसके ऊपर रखते हैं इसको। एसी का है ना प्लग लेते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं, लेट्स गो। अभी है ना वो किधर गया, और बटन किधर गया मेरा भाई, मैंने लास्ट टाइम मैंने एसी तो लगा दिया, लेकिन वर्क करने के लिए वो नहीं लगाया यार, ये सॉकेट नहीं लगाया, आउटलेट भी लगाना जरूरी है। मैं जब तक रूम नंबर 2 भी है ना रेडी कर देता हूँ। हाँ भाई तू 2 मिनट इंतजार कर, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, घंटी मत बजा, तेरे सामने निकला हूँ अभी। टॉयलेटरी के सामान नहीं है यार, टॉयलेटरी के सामान के पैसे नहीं देगा ये मेरे को। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं यार, टॉयलेटरी के सामान के पैसे नहीं देगा। रूम नंबर, वेट चाबी लेनी पड़ेगी इधर से, सारी चाबी ले लेते हैं। रूम नंबर 2 था ना वो, तो रूम नंबर 2 लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसको। हाँ भाई ले ले तू, रूम इज नॉट रेडी फॉर रेंट, होल्ड ऑन कर भाई, तू वेट करियो। रूम नंबर 5 के अंदर तो था शायद टॉयलेट पेपर था, यहाँ पे रख देते हैं ये, ठीक है सारा सामान हो चुका है। अभी है ना जल्दी से इसको रूम देते हैं। हाँ जी भाई ले ले अब रूम, $102 दिए भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार। रूम नंबर कौन सा था, रूम नंबर 3 था, चलो रूम नंबर 3 देते हैं, 12 घंटे के लिए चाहिए ना, $65 देगा, चल ठीक है 12 घंटा तो बहुत कम होता है, कोई बात नहीं आ जा। चलो इसको देखते भाई, इसको 36 घंटे के लिए चाहिए। बहन जी ले लीजिए एयर कंडीशनर यूनिट आउटडोर, अरे यार यूनिट तो है ना यार आउटडोर के अंदर,
वेट करना यार, दो मिनट में आता हूँ। बाहर यूनिट लगा हुआ है आउटडोर में, अभी देना ही पड़ेगा इसको बिना उसके। ये देखो आउटडोर में यूनिट लगा हुआ है एयर कंडीशनर का, ये देखो ये लगा हुआ है। इस ऐसे प्लग नहीं हुआ क्या? फोन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है भाई? लगा हुआ तो है आउटडोर यूनिट, फिर भी बिना मतलब ही। फ्रिज भी ऑर्डर कर सकता हूँ मैं, देखा जाए तो फ्रिज इसको भी लग्जरी बनाएंगे तो एक है ना अपन रेफ्रिजरेटर ये ऑर्डर करता होता हूँ मैं, फ्रिज एक टीवी भी ऑर्डर करते हैं। टीवी अपने पास बहुत सारी है, कव टीवी है, कव टीवी का करेगा भी क्या यार। कारपेट ये वाला $20 का ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। बुक सेल ऑर्डर कर देते हैं एक बुक, थोड़ी बहुत टॉयलेटरी के सामान, मेन चीज है टॉयलेटरी के भाई। बाद में ना मैं देखता हूँ इन सभी चीजों को है ना मैं एडजस्ट कर दूंगा। ओ किधर किधर, कोई नहीं इधर, चल निकल निकल ले, मैं थोपड़ा फोड़ दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा। भाई यार गन चला रहे, गाड़ी फोड़ दूंगी सबके, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, अनलिमिटेड एमो है अपने पास। निकल 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 ले, भाग ले यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, मारूंगा तेरे को बहुत भयंकर। भाई स्टॉप पे आया मतलब अपने चाबी देने आया, हाँ चेकआउट करना है, चल निकल। फाइनली अभी कार्ट के अंदर चलते हैं, कार डीलर, ओ कार डीलर नहीं, ये रहा कार्ट अपना, और इसको ऑर्डर मारते हैं, लेट्स गो। $17 बचे हुए अपने पास, कितना सारा सामान है भाई इस बार, देखो सारा सामान अपन है ना जल्दी से यहाँ पे रखते हैं। पहले तो बाथटब, बेड, ओ बेड बहुत प्यारा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे यूनिट और ये सब कुछ यहाँ पे रख देते हैं, दरवाजे भी यहाँ पे रखते हैं, दो पिलो, ये बुक्स आ गई अपनी, और यहाँ पे एसी भी आ चुका है। पहले यहाँ पे रखना पड़ेगा सारा सामान, बुक्स यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे दोनों एसी भी उठाते हैं, तो एसी भी उठा लिया, क्लॉक भी उठा ली, बाकी टॉयलेटरी के सामान भी पड़े अपने पास थोड़े बहुत। टॉयलेटरी के सामान पहले तो मैं सब में रखूँ यार जाके, चलो भाई सारी चीज़ें उतार लिए, लगभग उतार लिए मैंने सारी चीज़ें, और तो कुछ नहीं है ना, एक बार देख लेता हूँ भाई। नहीं चलो निकलो भाई, तुम्हारी डिलीवरी फिनिश करते हैं अभी, फाइनली अभी जल्दी से चलते हैं, अपना रूम रेडी करते हैं पहले तो। अभी सारा सामान उधर लेके जाके यहाँ पे रखते थे भाई, कितना ज़्यादा यहाँ पे गंदा करके रखा है ना मैंने, पूछो मत। यहाँ पे रख दिया मैंने सारा सामान, और पहले तो है ना मैं इस जो फेंकने का सामान है ना ये सारा फेंक देता हूँ पहले। निकलो जल्दी 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 भागो यहाँ से, इनको भी वेनिस करना पड़ेगा, तो जल्दी से इनको भी वेनिस करते हैं भाई, फेंको यहाँ पे, इतने बड़े बड़े भाटे उठा के फेंक रहा हूँ भाई बताओ। चलो भाई सारा सामान आ चुका है, थोड़ा बहुत ही बाकी है। ओए ओए ठोकी मत भाई, क्या बचा हूँ ना उससे, ठीक ही नहीं था भाई, उधर जाके रोशनी करनी पड़ेगी पहले तो। चलो बीच में आ गया, इधर इधर लेना पड़ेगा, चलो कोई नहीं वापस लेता हूँ अभी। टॉयलेट के अंदर एक और सीलिंग लैम्प मंगाया था ना मैंने, वो लगाते हैं उसके बाद में लेते हैं। हाँ ये जल गया, अब ये बिल्कुल प्रॉपर जगह पर है, अभी इसको है ना भाई कितनी कम रोशनी है, मेरे को एक बार खड़ा होने दो, इधर इधर बीच में इधर के साइड। अब मैं टॉर्च भी तो जला सकता हूँ, शायद तक टॉर्च है क्या मेरे पास, देखना पड़ेगा, ठीक है अभी बिल्कुल प्रॉपर लगा है। अभी देखते हैं भाई अपने ये वाली ट्राई करके देखते हैं, एक लगा के देखता हूँ, फिर अच्छी लगेगी तो ये वाली लगा दूंगा, नहीं तो फिर ना दूसरी लगाते हैं। अरे भाई पटक नहीं रहा, पटकना नहीं मेरे को, अच्छा ये मतलब रूफ के लिए लगेगी, चलो रूफ बना देते पहले। चलो ये हो गया, ये भी हो गया भाई, लग तो अच्छी रही है यार, लगा देते ये वाली, बढ़िया है, ये भी लग गई, एक में हो जाएगी शायद तक, ये नहीं नहीं हो पाई, मेरे पास दो है वैसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और है, ये लेट्स गो, ये लेके चलते हैं उधर लगाते हैं, पकड़ते हैं यहाँ से कुछ और इधर के पाइप, इधर के साइड जोड़ते हैं और इधर के साइड को, लेट्स गो। फाइनली पूरा हो चुका है, लेकिन वेट एक लाइन और बच गई, वैसे थोड़ी बहुत इधर है, अगर मैं मंगा दूंगा बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे जनरेटर ऑन करते हैं, लेट्स गो, लीवर खींच दिया, जनरेटर ऑन कर दिया, तो अभी ये देखो ये एक लाइन लग गई, ऐसा करते हैं ना, रुको वेट, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को लग रहा है, डिजाइनिंग बन जाएगी भाई। एक यहाँ पे कितनी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अरे हाँ अच्छी लगेगी, बढ़िया है, एक तरीके से डिजाइन बन चुकी है बिल्कुल प्रॉपर, चार चार, हाँ ठीक है बढ़िया लग रही है। चलो अपने पास टाइलें कम थी, कुछ तो जुगाड़ करा अपन ने, और कौन सी टाइलें हैं, पर्स के लिए मेरे पास दो हैं, एक ना ये बॉल के लिए साइड, हाँ ये वाली लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से खींचते इसको पकड़ के, इस तरीके से खींचते आगे की साइड, वेट यहीं तक ही आएगा क्या, ठीक है लग जाएगी, बहुत बढ़िया है, अच्छी लग रही है, तो लगा देते इसको ही, तो कुछ इस तरीके से पकड़ के खींचते, वेट मतलब मेरे को और ये भी और मंगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ना ये हुआ नहीं अभी तक, हाँ ये हुआ नहीं, वो मेरे को अभी और मंगानी पड़ेगी, पड़ेगी मेरे पास, देखना पड़ेगा गाइस। वेट एक और पड़ा है मेरे पास डब्बा, ठीक है दोस्तों। अरे भाई अच्छा हुआ मैंने तीन मंगाए थे, इसके तीन डब्बे पड़े हैं, काली काली टाइल करेंगे यार, वो काली पड़ी है ना मेरे पास, ये वाली काली वाली टाइल करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये वाली टाइल लगा देते बस, अच्छा लग रहा है बस। अभी मेरे को दरवाजे लगाने और ये फ्लोर मतलब ये वॉल बनानी है मेरे को, यहाँ पे जाके हीटर लगाता हूँ पहले तो, और बेड लगाते हैं, तो बेड उठा देते हैं, हीटर उठाते हैं, ये सिंक है अपना, सिंक भी उठा लेते हैं, टॉयलेट भी उठा लेते हैं। तो अभी ना बेड लगाते हैं, पहले बेड लगाऊंगा मैं इस तरीके से, बेड लगाएंगे अपन इधर के साइड, हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है बेड, और हीटर यहाँ पे लगा देते हैं, लेट्स गो। ये रूम है ना तो बड़ा है भाई, ये रूम अच्छा खासा बड़ा है, तो इसको है ना थोड़ा महंगा बेचेंगे अपन, यहाँ पे लगाते हैं लेट्स गो। ये अपना बाथरूम भी रेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत और करना है मेरे को, ठीक है भाई फ्रिज लगा दी यहाँ पे
मेरे को यूनिट लगानी पड़ेगी भाई इधर के साइड, रुको इसको सेट करता हूँ मैं। टॉयलेट यहाँ पे हो चुका है। अरे भाई ये काला कलूंटा तो दिख ही नहीं था बिल्कुल भी, और लाइटें लगानी पड़ेगी मेरे को लग रहा है। हाँ अभी बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है, और चेयर भी अपन इधर के साइड लगाएंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे है ना घुमा देते हैं, जो किसी को अगर पढ़ना भी होगा ना तो यहाँ पे आके पढ़ सकता है, और अगर चाय भी पीनी होगी ना तो भाई यहाँ पे आराम से पी सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे लगाते टीवी लगाते लेट्स गो, यहाँ पे आराम से बेड मतलब लेटर लेटर देख सकता है कोई भी। इसके ऊपर रख सकते हैं वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं, फ्रिज के ऊपर रख देते हैं माइक्रोवेव। लेट्स गो, अभी एसी यूनिट भी लग चुकी है, एसी को प्लग करना है, इसको है ना थोड़ा बहुत सेट करना पड़ेगा मेरे को। लाइट चली गई फिर से भाई, असल दुनिया में भी लाइट मेरे को परेशान करती है, इधर भी मेरे को लाइट परेशान कर रही है। अबे कितना गंदा कर दिया यार, मेरे को सारा का सारा साफ करना पड़ेगा, तो जल्दी से सारा साफ करता हूँ, उसके बाद में अपना रूम रेडी करते हैं। भाई इतना गंदगी कर रखा है भाई इन्होंने, कितनी गंदगी है देखो, केला खा रखा है, पेपर न्यूज़पेपर इधर ही लाके पटक दिया इन्होंने, यहाँ पे बीड़ी के बंडल पड़े हैं, यहाँ पे भाई पिज्जा पड़ा है भाई, एप्पल पड़ा है, तरबूज के पीस पड़े है भाई, अंदर तक है ना इन्होंने कचरा कर रखा है। बताओ भाई तू है ना सुबह से यहाँ पे खड़ा है भाई, रेस्ट कर ले जाके, पैसा एक्स्ट्रा मांगेगा मेरे से ये। फाइनली सारे के सारे रूम चेकआउट हो चुके हैं, मतलब अभी है ना अपने इसको भी साफ करते हैं, मतलब अपना पैसा भाई डबल डबल नहीं ट्रिपल चौपल पैसा आएगा अपने पास, मतलब समझ लो एक साथ अपने पास $5,000-6,000 तो आने वाले मेरे को लग रहा है ऐसा। जल्दी से सारा सामान यहाँ पे लाके पटकते हैं। फाइनली यहाँ पे ना बेड से भी बिछा दी मैंने, पिलो यहाँ पे रखना मेरे को भाई, मैंने सोचा कि वो सिंगल बेड वाला है यही है, मिरर हो गया, गुलदस्ता भी उठा लेते हैं यहाँ पे, ये है गमला, एक और पिलो यहाँ पे रखते हैं। लेट्स गो, मिरर अपन है ना यहाँ पे लगाने वाले हैं, इसको सीधा कर देते हैं। लेट्स गो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और गमला अपन रखेंगे इधर के साइड, नहीं ड्रेसिंग टेबल आएगी ना, गमला अपन इधर के साइड को रखेंगे, इधर के साइड को भी नहीं यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल बाहर के साइड को। अभी है ना ये वॉलपेपर अपन लगाएंगे, और घड़ी लगाएंगे अपन इधर, इधर लगाएंगे बिल्कुल परफेक्ट, सारी वॉल है ना अपने को भरी भरी दिखनी चाहिए। मिक्सर ले लेते हैं, मतलब ये कॉफी मशीन, तो कॉफी मशीन को लगाएंगे इधर के साइड, मुंडी मुंडी लगाएंगे अपन यहाँ पे, अच्छा लगेगा, नहीं मुंडी अपन इधर नहीं लगाएंगे, मुंडी लगाएंगे इधर। वेट वेट, ड्रेसिंग टेबल में यहाँ पे रखने वाला था तो मिरर यहाँ पे आने वाला था, तो मिरर तो यार इधर आ जाएगा, तो चलो ठीक है मुंडी यहाँ पे लगाएंगे, नहीं मिरर यहाँ पे लगाऊंगा मैं, ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे रखूंगा फिर। तो ऐसा लगता है यार उंदर लगता है क्या, पाँव तो पूछने कैसे भी लगाओ यार, मुंडी उठाओ यहाँ पे, मुंडी लगाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मुंडी लगा देता हूँ बिल्कुल परफेक्ट बीचों बीच यहाँ पे लगाऊंगा मैं, नहीं यहाँ पे नहीं सामने इधर लगाऊंगा इस तरीके से, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फिर ड्रेसिंग टेबल अपने को उधर लगानी चाहिए, तो भाई रखता हूँ क्योंकि दूसरे रूम के लिए यहाँ पे यहाँ के लिए लेके आया था मैं। लेट्स गो, प्लग कर दिया मैंने। एसी यूनिट कहाँ पे भाई, एसी यूनिट बिल्कुल फिट है यार, एक बार ट्राई करता हूँ यार, ये तो बिल्कुल ब्लैक सा लग रहा है, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है भाई, क्या लग रही है वो, मैच होगा क्या, देखना पड़ेगा दोस्तों ये मैच होगा भी सही या नहीं होगा। चलो लगा देते हैं यार, अब सेट तो करना ही है अपने को, तो जल्दी से यहाँ पे ना मैं सारा का सारा ये काम करता हूँ, ये वॉल लगाते पहले कुछ इस तरीके से लग जाएगी यहाँ पे, मेरे को ये वाली पसंद है भाई, यही लगाऊंगा मैं, सब में ये वाली लगाऊंगा। चलो इसको मेरे को हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, आराम से ये हो चुका अपना काम। इसमें अगर दो लग गए तो मेरे को और मंगाना पड़ेगा इसका मतलब, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है रूम। हाँ ये रूम भी तो बहुत बड़ा है, ये रूम तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है भाई, पुराने वाले से तो बहुत बड़ा है, इसमें मतलब तीन लगेंगे ये, तो मेरे पास एक और होना चाहिए, देखना पड़ेगा दोस्त। हाँ ये रहा, पड़ा है मेरे पास। चलो मेरे पास $500 तो है, तो मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा, जल्दी से ऑर्डर करता हूँ, पहले ये लगा देते हैं यहाँ पे कर्टन। तो अच्छा भाई दो से हो गया, ठीक है ये हो गया, अब है मेरे पास एक्स्ट्रा तो लगा ही देते हैं इनको इस तरीके से, ये वाली वॉल भी से करूंगा मैं, तो मैं लगाऊंगा बेड के पास, ये तो हमेशा बेड के पास में लगाऊंगा भाई, जैसे कभी बुक पढ़नी होगी ना तो यहाँ से पढ़ सकता है आराम भाई। रूम बहुत प्यारा लगेगा, ये वाला रूम भी बहुत अच्छा लगेगा। तो टॉयलेटरी के सामान मैं रखने वाला हूँ अपने ऑफिस के अंदर ही रखता हूँ मैं टॉयलेटरी के सामान वैसे, तो यहाँ पे रख देते हैं। और भाई सारे सामान चोरी कर लिए भाई लोगों ने, भाई यार मेरे को यहाँ पे नहीं रखना था, मतलब सारे सामान चोरी कर लिए इन्होंने भाई, कितने ज्यादा चोर है भाई इधर, मेरे को और मंगवाने पड़ेंगे भाई दोस्तों, मेरे को है ना सामान मंगाने पड़ेंगे टॉयलेटरी के। अभी भी अपना 2.5 स्टार पे है, क्योंकि अपने को ये वाला रूम और ये वाला रूम रेडी करना है, लेकिन अपन कर रहे हैं नंबर 6 वाला रूम, ठीक लग रहा है ये भी, अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना ये वाला रूम भी। थोड़ा बहुत सामान है ना मैंने ऑर्डर करे, ये आ जाए सामान डिलीवर, अरे आ गया वो डिलीवरी बॉय। लेट्स गो, ये यहाँ पे हो चुका है, इसको यहाँ पे रखते हैं, और इस वाले को यहाँ पे पकड़ के खींचो यहाँ तक, ठीक है भाई ये हो गया अपना रूम तैयार। बस थोड़ा बहुत और सामान अपने को यहाँ पे लाके रखना है, जैसे कि अपन ना ड्रेसिंग टेबल है ना, एसी यूनिट लग गई एसी, हाँ अब मेरे को वो लेके आना है आउटलेट, लेके आते हैं आउटलेट लगाते हैं यहाँ पे। ओ वेट वेट वेट, कस्टमर को निपटाना भूल गया मैं, कस्टमर को निपटाते हैं दोनों भाई, आ रहा हूँ आगे आगे आगे। हाँ जी मैडम क्या लिया, और भाई बहुत सारा सामान ले लिया आपने तो, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न मफिन सब कुछ, धन्यवाद सामान लेने के लिए, इतना सारा चिप्स ली मैडम ने। हाँ जी बहन जी आपको क्या चाहिए, ज़ॉम्बी मैडम है तो सर बताइए आपको। चलो भाई ये भी हो गया, टीवी को प्लग यहाँ पे लगा देते हैं, इसका प्लग कितना, ये अभी इधर नहीं लगाऊंगा फिर, तो इधर लगाऊंगा
टीवी भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, हीटर का प्लग तो होने लगता है। ये अपन ने जो पांचवा रूम बनाया था ना उससे भी बहुत ज्यादा प्यारा है। ये देखो ये फिफ्थ रूम है ना, ये थोड़ा छोटा था तो ये रूम भी अच्छा है, लेकिन है ना इससे ज्यादा रूम तो ये वाला अच्छा है भाई। इसको दरवाजा खोलता हूँ एक बार, ये देखो कितना लग्जरी रूम है भाई, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ इसके अंदर, इसलिए तो मेरे पास $47 ही बचे हैं। इसके अंदर मेरे को क्या क्या लगाने था मेरे को देखना पड़ेगा। अभी मैंने एसी यूनिट लगा दी है और बाकी थोड़ा बहुत सामान और भी लगाना है। झुमका लगा दिया भाई, इधर एक झूमर लगा रखा है ये देखो, और बाकी है ना इधर के साइड भी शायद सेलिंग लैंप लगा रखा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी और भी सामान पड़े मेरे पास तो एक बार चेक करना पड़ेगा। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि बाहर से ना सबको व्हाइट ही रखूँ या फिर अलग कलर करूँ। हाँ जी मैडम क्या चाहिए? 1 bed for 12 hours। ताई चाबी उठा लेता हूँ पहले यहाँ से और यहाँ पे लगाते पहले तो। लेट्स गो रूम नंबर 1। की होल्डर इज एम्प्टी भाई, यहाँ पे पड़ा तो इतना सा टेक रूम टेक पेमेंट $72 मेरे को इससे मिल चुके हैं। लेट्स गो, अभी ना मैं फ्यूल ऑर्डर कर सकता हूँ, तो जल्दी से एक काम करते हैं डिलीवरी के अंदर जाते हैं, फ्यूल ऑर्डर करते हैं। अपने पास है $190 तो अपन करेंगे $174 का ऑर्डर। तो फ्यूल मैंने ऑर्डर कर दिया है दोस्तों। अभी है ना एक कस्टमर तो आ चुका है, एक फ्यूल हो चुका है अपना रूम। इधर के साइड जगह है ना, इधर अपने बनवाने वाले अपने बहुत सारे रूम, क्योंकि उस रूम को अपन तैयार करेंगे वो बेचेंगे भाई, सेल करेंगे। और अब बॉडी बिल्डर मैडम ये तो चल भाई तू ले ले, $67 दिए मेरे को इसने, ठीक है अभी है ना कोई बात नहीं, $67 दिए तो दिए हैं, अब इसी से अपने को गुजारा करना पड़ेगा। अभी है ना किताब किसके अंदर रखूं, यहीं पे रख देते हैं। लेट्स गो, ये देखो भाई रूम नंबर 6 कितना प्यारा लग रहा है ना, ये इस दरवाजे को बंद कर दो, ये देखो कितना प्यारा सब कुछ मैंने लगा रखा है इसके अंदर, बहुत ज्यादा प्यारा। और अभी है ना जल्दी से चलते शॉप के अंदर, शॉप के अंदर है ना 5 कस्टमर इंतजार कर रहे हैं भाई, वो फ्यूल स्टेशन पर भी एक कस्टमर इंतजार कर रहा है। हाँ जी सर क्या क्या लिया? 2 चीजें लिए। वैसे यार अपनी चीजें खत्म भी तो हो चुकी है, तो मेरे को थोड़े बहुत सामान मंगाने पड़ेंगे दोस्तों। 2 bed वाला ले लो ना यार प्लीज। चलो अभी देना तो है ही है, तो रूम नंबर 3 की चाबी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। हाँ जी मैडम आपको चाहिए 1 bed for 72 hours। चलो देते हैं इसको, $329 मेरे को मिले। अरे आइंस्टीन साहब आप आ गए, आपको महंगा वाला रूम बेचूंगा भाई। रूम नंबर 5 देते हैं, नहीं यार चलो रूम नंबर 5 देते हैं भाई, बहुत सारा काम किया इन्होंने अपने लिए। ठीक है टेक दिस रूम, $330 दिए। चलो निकले भाई, दू या नहीं दू मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो देना तो ये रूम नंबर 4 देते हैं इसको। हाँ जी लो सर रूम नंबर 4 लो तुम, 96 आवर के लिए ले रहा है। चलो कोई नहीं, बहुत सारा सामान अपने पास आ चुका है। अभी ना मोटेल को बंद करना पड़ेगा दोस्तों मेरे को, तो मोटेल को अपन कर देते हैं बंद। हाँ जी सर क्या चाहिए आपको? 12 घंटे के लिए रूम चाहिए। अच्छा चेकआउट करने के लिए आया, चल निकल। 12 घंटे हो गए ना, बिना मतलब ही मैं सोच रहा कि इसको रूम चाहिए। अब रूम नंबर 1 की चाबी है ना अपने पास, रूम नंबर 1 है ना इसको दे देंगे। वो एक बंदा आ रहा है ना, कितना एक ही रूम मतलब एक बेड वाला रूम चाहिए इसको, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सफाई कर देता हूँ मैं, उसके बाद में एक बेड वाला रूम दे देंगे इसको। तो मेरे पास $1485 तो हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत सामान मंगवाते हैं इसके बाद में। आ रहा हूँ शांति रखो। हाँ जी सर आपको रूम नंबर 1 की चाबी दे देता हूँ मैं। आपको कितना एक बेड चाहिए 24 आवर के लिए? ये लो $120 दिए मेरे को। देख रहा हूँ शॉप के लिए सामान मंगाऊ या फिर अपने रूम के लिए सामान मंगाऊ यार। अपग्रेड देखते पहले, अपग्रेड में क्या है क्या है। मोटेल रूम को अपन है ना अपग्रेड कर सकते हैं, फ्यूल डिस्पेंसर को अपग्रेड कर सकते हैं, स्टोरेज पावर एडवर्टाइजमेंट पे फोन ज्यादा आएंगे, ज्यादा बंदे आएंगे यार $1000 है। लेकिन भाई एक काम करते हैं पहले तो है ना मोटेल रूम अपग्रेड करते हैं $700 का। यार $700 का थोड़ा सा बड़ा रूम है, लेकिन ये अपन कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो। $700 का ये हो गया रूम। अब पैसा तो क्या है, पैसा तो हो ही जाएगा, पैसा में क्या है भाई, पैसे तो बहुत है अपने पास। अपग्रेड करते हैं मोटेल रूम $700, ठीक है हो गया भाई। $300 और बचे हुए हैं, जिससे कि मैं ना एक काम करता हूँ भाई फ्यूल मंगवा लेता हूँ। पार्किंग लॉट अपने पास कितनी है? पार्किंग लॉट अपने पास ठीक ठाक अवेलेबल है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई चाहिए अपने को। 8 8 8 करते हैं अपग्रेड और क्या। तो वैसे मैंने ना देखा जाए तो मैंने वो कर रखा है अपना मोटल ओपन कर रखा है, तो अपन है ना इन रूम को भी है ना जल्दी से ना कर देते भाई रेडी। एक मेरे को सामान मंगाने पड़ेंगे ना भाई, रूम बहुत ज्यादा लग्जरी बनाने वाला हूँ ये वाला भी। एक बार कंप्यूटर में देखते और क्या अपग्रेड कर सकते हैं अपन। कार डीलर है, स्टाफ रूम, वेयर हाउस, शॉप को अपग्रेड करने के लिए $500 चाहिए। $500 ठीक है भैया, अभी $1500 चाहिए शॉप को अपग्रेड करने के लिए। $500 मैंने अपग्रेड तो कर लिया है, लेकिन भाई मैं पागल हूँ भाई, मैंने शॉप के लिए सामान तो मंगाई नहीं, अपग्रेड क्यों किया मैंने। अच्छा तो इस जगह मिल गई मेरे को, ठीक है अपने पास शॉप के अंदर तो बहुत जगह हो चुकी है दोस्तों। अभी है ना इसको यहाँ पे रखते हैं। आ रहा हूँ शांति रखना। इसको भी अनप्लग करना पड़ेगा, इसको लगा के यहाँ पे लगाते हैं और इसको भी है ना इधर की साइड लगा देते हैं। लेट्स गो, और इसके प्लग को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। शॉप तो बड़ी हो चुकी है, पहले फ्यूल डाल देते हैं उसके बाद में अपन चलते हैं ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर भाई कोई चाबी मांगने आए हैं भाई, $10 बाकी है। मेरे को है ना कमेंट करके बताओ ना इसमें और भी पैसा कैसे कमा सकते हैं अपन, पैसा कमाने का कोई जरिया बताओ यार। आप मेरे को पता आप बहुत जीनियस हो, थोड़ा बहुत पैसा कमाने का बताओ। दो बेड रूम नंबर ठीक है, रूम नंबर 6 अभी तू ले ले, टेक दिस रूम। वेट इतना कम प्राइस, नॉट आउटडोर यूनिट। अरे आउटडोर यूनिट भाई देखना पड़ेगा भाई, आउटडोर यूनिट एक बार देखते हैं।
वेट, उसके पहले ना मैं एक काम करके आने वाला हूँ भाई, पेट्रोल भर के आते हैं उसके, सारे सामान उठा लिए। अरे आ रहा हूँ, दो मिनट शांति तक। शेविंग क्रीम भी रख देते, बहुत सारा सामान रख दिया वैसे मैंने देखा जाए तो। इसको मेरे को सही करना पड़ेगा दोस्त, इसको देखते हैं अपन वाइट वाला पेंट कर देते हैं वापस से, ठीक लगेगा यार, कोई बात नहीं। पहले इसको भी वाइट वाला पेंट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भाई इसको भी वाइट वाला पेंट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। लेट्स गो, अभी परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है दोस्त, अभी बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तो रूम है ना भाई, मैंने बिल्कुल परफेक्ट बना दिया है, अभी देखते हैं भाई। वेट 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 वेट, पंखे का वो नहीं है क्या? पंखा कैसे ऑन करना है? पंखा तो ऑन ही नहीं हुआ, पंखा तो चालू ही नहीं हुआ, फिर मेरे को बोलेंगे भाई ये। ठीक है भाई, रूम नंबर 4। चलो मिल्क, मिल्क भी इसके अंदर आ जाएगा क्या? मिल्क अपन इसमें रख देते, नहीं तो। चलो मिल्क की बोतलें इसके अंदर सारी की सारी आ गई, लेट्स गो। मफिन्स, मफिन्स अपन इसके अंदर रख देते हैं, केक है सारी, नहीं मफिन्स है, हाँ चलो इसके अंदर नहीं आएगी आदि, इसके अंदर रख देते हैं। चलो भाई, बहुत सारे जूस की बोतलें, बहुत सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, अभी शायद इतना बिक जाएगा यार, सारी चीज़ें मतलब बेच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चश्मे अपन यहाँ पे रख देते हैं भाई, चश्मे कितना, अच्छा एक के ऊपर एक आ रहा है ना। ठीक है भाई, दो तो, दो ड्रोवर तो यही है ना, घेर के बैठ गया भाई। लेट्स गो, चश्मे भी अपन ने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, सारी चीज़ें को अब ना सेल कर देते हैं, क्या सेल हो गया भाई। और लेट्स गो, सारी चीज़ें अपन ने बेच दी है, और अभी ना अपना शॉप ओपन करने का टाइम हो चुका है। ठीक, गोली मारता हूँ, निकल भाई। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मतलब लाइव स्ट्रीम में इतना ही। आई होप आपको मजा आया हो, मजा आया लाइक से सब्सक्राइब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।